सायरम बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका, ठीक है? मैं हिंदी की टीचर हूँ आपकी। मेरा नाम है प्रफुल्लता तिवारी। अभी तक हम कभी मिले नहीं हैं। अब वैसे आपने स्कूल में मुझे देखा होगा, लेकिन वैसे नहीं मिले हैं हम, ठीक है? तो एक काम करते हैं, हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। किससे करेंगे? ओमकार से। हेलो सायरम बच्चों, अब आप काम करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, और आप लोग माइक ऑन नहीं रखेंगे, ठीक है? देवादित्य माइक ऑफ रखेंगे, सिर्फ ओंकार मैं करूंगी। आप लोग भी हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। सायरम, अब बच्चों मैं आपको पहले कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो क्लास शुरू होने से पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला चीज ये है कि आप स्क्रीन में, अगर मैं कुछ भी करूंगी, आप स्क्रीन को टच नहीं करेंगे। पहले ध्यान से देखिए। देखिए, मैंने अपने आप को पिन कर लिया है, तो एक बच्चा कौन? अनंत। अनंत माइक ऑन करिए, आपको मैं दिख रही हूँ। यस हाँ बेटा, सारे बच्चे ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ एक बच्चा ऑन करेगा, नहीं तो आवाज डिस्टर्ब होगा, ठीक है? एक बच्चा सबका, हर रोज अलग अलग बच्चे बात करेंगे, ठीक है? आज अनंत बात करेंगे, तो अनंत से मैं पूछूंगी। देखिए, मैं दिख रही हूँ आपको। हाँ ठीक है, आप देखो, मैं बच्चों अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, आप देखिए ध्यान से। मैंने मेरे वीडियोस आपने देखे होंगे, तो उसमें भी मैं हमेशा ये बताती हूँ कि मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। देखिए, मैंने अपना स्क्रीन प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। यस मैम। देखिए आपको, आप जल्दी आपके सामने, हाँ बात करना, प्रेजेंटिंग आ गया। अथर्व यस दिख रहा है, वेरी गुड। आप मैम। देखो, नो मैम। दिख रहा है ना? नो मैम। नहीं दिख रहा है? नो मैम। मैं दिखती हूँ आपको? यस मैम। अब दिख रहा है। हाँ, तो यस बस मैम। वही, मैं ही दिखना चाहिए, ठीक है? अब नीचे देखिए, सबसे नीचे का आइकॉन दिख रहा है, ये वाला जहां मेरा ये कर्सर जा रहा है, देखो कर्सर दिख रहा है मेरा? सबसे यस नीचे मैम। देखिए, ये क्या है बेटा? ये है माइक्रोफोन। क्या है ये? ये है माइक्रोफोन, ठीक है? इससे हम हम चालू करेंगे और बंद करेंगे, इससे क्या होगा, हम बात कर पाएंगे। देखिए, जैसे मैंने अभी चालू रखा है, तो मैं बात कर रही हूँ, और मैंने इसको और ये देखिए, मेरी आवाज अब तक गई क्या? बीच में मेरी आवाज कट गई? हाँ। उसके बाद ये जो बीच वाला है, ये देखिए, ये लीव कॉल है। क्या है लीव कॉल? लीव कॉल मतलब आपको जब अपना ये जो मीटिंग है छोड़ना है, तो आपको ये वाला, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? ये वाला बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद ये है, ये है आपका कैमरा। क्या है ये? यस मैम। नीचे देखिए सबको, कैमरा। कैमरा। तो यहां से देखिए, अभी मैं आपको दिख रही हूँ, और अभी मैं आपको, अभी क्या मैं आपको दिख रही हूँ? नो मैम। नहीं दिख रही हूँ ना? हाँ देखिए, अभी मैं आपको दिख रही हूँ,
अभी मैं आपको दिखूंगी, देखिए दिख गई। यस मैम। और मेरे राइट हैंड साइड में चले जाइए, उसमें एक चैट दिख रहा है, CHAT चैट। देखो मैं कैमरा, जब मैंने स्क्रीन शेयर किया तो उसमें दिख रहा होगा, देखो राइट हैंड साइड में कॉर्नर में ग्रीन कलर से यस दिख गया। उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, कौन सा नंबर लिखा है, कौन यस मैम। यस मैम। सा नंबर लिखा है, नंबर बताइए। फोर फोर लिखा है, वेरी गुड। अब फोर आपको कोई भी चीज बच्चों बात करनी है मुझसे तो आप सिर्फ चैट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए जैसे मैं भी आपको लिख के बता रही हूँ, साईराम स्टूडेंट्स। देखिए मैंने लिखा साईराम स्टूडेंट्स, दिख गया आपको। यस देखिए मैम। सारे बच्चों ने यस लिखा मैम। साईराम साईराम साईराम। देखिए इतना आपको समझ आ गया। अब यस मैम। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना बंद कर रही हूँ, अब काम करती हूँ, अपने आप को अनपिन कर देती हूँ। अब आप अथर्व अपने माइक में, कर लिया। अब मैं बारी बारी से एक एक का, वेरी गुड बच्चों। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है तो आप क्यों टाइप करोगे उसमें चैट बॉक्स में, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको कोई भी चीज पूछना है। और आपको अगर कोई भी चीज, जैसे मैंने पूछा कि क्या है, तो अगर आप कैमरा ऑन करोगे तो कैमरे में आप दिखोगे। जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि थम्स अप करो, तो थम्स अप करके बताओ सब बच्चे, देखो दिखाओ ऐसे, वेरी गुड। देखिए सारे बच्चे दिख रहे। यता ये अर्पित, कैमरा ऑन करो, कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है। हाँ दिखोगे, कैमरे सब बच्चों के ऑन होने चाहिए। ठीक है देखिए सब बच्चे दिख रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है अब एक काम करेंगे, एक एक बच्चों से मैं बोलूंगी कि वो पहले माइक ऑन करें और ऑफ करके मुझे बताएं, कैमरा ऑन करें और ऑफ करें। आज हम सिर्फ यही एक्टिविटी करेंगे बच्चों। और चैट बॉक्स में सारे बच्चे सायराम सायराम लिखेंगे। अब मैं जब मैं टाइम बोलूंगी तब लिखेंगे। अब मैंने बोल दिया 1:10 हो गया, अब लिखना शुरू। पहले चैट बॉक्स का काम करेंगे, सारे बच्चे लिखो सायराम, सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो सायराम। वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। वेरी गुड वेरी गुड एक्सेलेंट। सबने लिख दिया? यस मैम। नहीं, अभी तो कितने बच्चों ने लिखा है? यस मैम। सबने यस लिख मैम। दिया? बेटा माइक नहीं ऑन करना है, क्या बोला मैम ने, इंस्ट्रक्ट क्या किया, माइक नहीं ऑन करना। आपको जो भी बोलना है किसमें बोलना है, चैट बॉक्स में। समझ आ गया, किसमें बोलना है, चैट बॉक्स में। आपको अपना माइक ऑन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप माइक ऑन करोगे तो मैम की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, और सारे बच्चे, ये आयुषी कैमरा ऑन कीजिए बेटा। हाँ सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठेंगे। ठीक, अब दूसरा काम, दूसरा काम मैं जिस जिस बच्चे का नाम ले रही हूँ वो बच्चा माइक ऑन करेगा और ऑफ करके बताएगा मुझे। सबसे आज यही काम एक्टिविटी करेंगे। आपको ये वाली एक्टिविटी अगर बहुत अच्छे से समझ आ गई बच्चों तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पहले अनंत वर्मा, मैम कहीं जब अनंत पढ़ना वर्मा। मैम। हाँ चलिए अब आप माइक ऑन कीजिए बेटा और ऑफ कीजिए। देखिए मैम,
देवादित्य माइक ऑफ करो बेटा। हाँ आप एक काम कीजिए अनंत। यस मैम। चलिए अब आप साईराम और कुछ बोलना चाहते हैं वो बोलिए और कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑफ कीजिए और माइक ऑन कीजिए और माइक ऑफ कीजिए और अपना थोड़ा सा इसको नीचे कीजिए इसका। हाँ बस अब दिख रहे हो। हाँ अब अपना पहले सबसे पहले आप अपना ये ऑफ करो, माइक म्यूट अनम्यूट करो, माइक को बंद करो और चालू करो। बंद कर दिया, अब चालू करके बोलो कुछ। इसको खोलिए माइक को। हाँ बोलिए। साईराम मैम। हाँ मैम। बेटा साईराम, बाकी बच्चे रिस्पांस नहीं देंगे। अर्जुन अर्जुन यस मैम। हाँ आप अपने फ्रेंड्स को कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नो मैम। कुछ नहीं बोलना है, पूछना नहीं है कैसे हो। नो मैम। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए तो फिर कैमरा ऑफ करके और कैमरा ऑन करके मुझे बताइए। हाँ अब ऑन कीजिए। वेरी गुड, चलिए कैपिंग, वेरी गुड। अब अनंत ने कर लिया, अब दूसरा सेकंड चैप्टर अर्जुन। अर्जुन यस मैम। चलिए आप आइए, वेरी गुड। अब आप अपना कैमरा माइक ऑन कर रखा है आपने, मैंने बताया था। yes, माइक कहाँ पर है बताया था ना। yes, मैंने माइक आई तो माइक ऑन करना आप बताइए। आपने ऑन कर रखा, अब ऑफ करके बताइए मुझे। हाँ आप ऑन कीजिए। ऑन कर लिया आपने। यस मैम। हाँ अब आप सामने देखिए। अब आप एक काम कीजिए, अब आप माइक ये कैमरा ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए। वेरी गुड, अब ऑन कीजिए। वेरी गुड, अब आप माइक अपना ऑन करके अपने फ्रेंड्स को कुछ साईराम कुछ हाय हेलो कुछ भी बोलना चाहते हैं बोलिए। हाय। चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आप अपना माइक बंद कर लीजिए। अब थर्ड माउस पर आते हैं अर्पित। बेटा आप अपना माइक कैमरा नहीं ऑफ करेंगे अर्जुन, कैमरा आपका फुल टाइम ऑन रहना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आपको दिखोगे तभी तो मैं आपके साथ कांटेक्ट बना पाऊंगी। मैंने आपको देख, आप लोगों को जानती नहीं हूं मैं। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को जान पाएंगे। आप अर्पित जी माइक ऑन कीजिए। साईराम मैम। साईराम वेरी गुड, आप साईराम माइक ऑफ करो, आप खुद ही करना सीखो। वेरी गुड, आप उसको खोलो माइक को। हाँ अब अपना कैमरा को ऑन करो बेटा। कैमरा ऑन है आपका, ऑन है, अब ऑफ करके दिखाओ। वेरी गुड, ऑफ कर लिया आपने। वेरी गुड, अब ऑन करो। ऑन करो। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अभी आपको समझ आ गया ना। yes, तो कभी yes. भी कोई भी जरूरत पड़े तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वेरी गुड। अब आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए बेटा। अब नेक्स्ट चांस है आयुषी। आयुषी यस मैम। हाँ वेरी गुड, अब आपको ये एक्टिविटी करनी है। आपने माइक ऑफ कर रखा है, अब ऑन कीजिए। बताया था ना मैंने, नीचे है देखिए, सबसे नीचे आपके तीन दिख गया, नहीं दिखा आपको? मैम मैं करते रही हूँ। हाँ ये आपका ऑफ क्यों आ रहा है फिर?
हेलो हेलो। हाँ आपका ऑफ करो बेटा उसको माइक को। चलिए ठीक है आयुषी, हम तो आपसे बाद में बात करते हैं, हम नेक्स्ट आते हैं देवादित्य पे। देवादित्य माइक ऑन करो बेटा। हाँ माइक ऑन करो और बोलो साईराम। सायराम मैम। हाँ अब एक काम करो, ऑफ करो माइक को आप। ठीक है माइक ऑन करो, ऑन कर दिया आपने। हाँ यस मैम। कैमरा ऑन करो, कैमरा तो आपका ऑन ही है, अब कैमरा ऑफ करके बताओ। अब कैमरा ऑन करो, समझ में आ गया आपको? आपको कभी भी कोई भी चीज किसमें लिखना है बेटा? चैट बॉक्स में। किसमें लिखना है? चैट बॉक्स में। आपको कोई भी चीज मुंह से नहीं बोलना है, आप चैट बॉक्स में लिखोगे और मैम समझ जाएंगी। ठीक है मैम पढ़ लेंगी कि सब बच्चे सायराम लिख रहे हैं। अब देवादित्य के बाद नेक्स्ट टर्न किसका आता है? देवांशी। देवांशी देवांशी यस साईराम, मैम। आपका कैमरा ऑन है, माइक ऑन है, अब अपना माइक ऑफ करके बताओ बेटा। वेरी गुड, अब ऑन करके बताओ। कैमरा ऑफ और ऑन करके बताओ, ऑफ करके बताओ, कैमरा बंद करके। हाँ अब उसको क्लिक करो उसी को ही, फिर ऑन हो जाएगा। हाँ अब अपना अपने फ्रेंड से कुछ कहना चाहते हो? हेलो फ्रेंड्स, कुछ नहीं कहना चाहते? ठीक है एक काम कीजिए, अब अपना माइक को बंद कर दीजिए। वेरी गुड, अब दिशा माइक ऑन करो, सायराम बोलो। सायरा मैम। वेरी गुड, अब आपने अपना माइक को ऑन कर लिया, अब ऑफ करके बताओ। अब अपना कैमरा ऑन करो, ऑन है आपका कैमरा, ऑफ करो सॉरी, अब ऑन करो। हाँ ऑन कर लिया, वेरी गुड, अब आपको अपने फ्रेंड से कुछ कहना है, ऑन कीजिए अपना माइक, ऑन कीजिए। वेरी गुड, कुछ कहना है आपको? नो मैम। ओके साई राम, ठीक सायरा है चलिए अब अपना माइक बंद कीजिए बेटा। अब हम आते हैं कुशाग्र पर। यस कुशाग्र, साई मैम। राम। अच्छा सायरा मैम। आपके आपका फेस विजिबल नहीं है बेटा, क्लियर नहीं दिख रहा आपको। ऐसी जगह बैठे जहाँ लाइट नहीं पड़े, ठीक है? अगली बार से ऐसी जगह बैठो जहाँ लाइट, यहाँ पर बहुत लाइट दिख रहा है तो आपको फेस नहीं दिख रहा है, ठीक है? ओके हाँ अब आप अपना माइक ऑफ करना सीखो। माइक कैसे ऑफ करेंगे आप कीजिए। हाँ अब ऑन कीजिए, वेरी गुड, अब कैमरा ऑफ ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए कैमरा को और ऑन कीजिए। ओके साईराम सायरा मैम।
ठीक है, अब एक काम कीजिए, अपना माइक को ऑफ कर लीजिए। कर लिया आपने? अब आ जाते हैं माधव शर्मा पर। माधव? यस मैम। राम, अब आपने अपना माइक चालू रखा, माइक को ऑफ करके बताओ। बेटा जो भी चीज है ना आपके पास, मोबाइल कोई भी चीज हो ना, उसको ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं, एक जगह कहीं फिक्स करके रखना उसको। आपके दोनों हाथ कैसे होने चाहिए? खाली होने चाहिए, ताकि तभी तो आप लिख सकोगे। आप माइक ऐसे, फोन हिल रहा है ऐसे नहीं करना है, एक जगह कहीं पर भी फोन फिक्स कर लेना, ठीक है, ताकि आप जब पढ़ो लिखो, जैसे मैं कुछ लिखवाऊंगी आपको तो आप लिख सको आराम से, ठीक है। तो अब आपने अपना माइक को ऑन रखा है, अब आप ऑफ करके बताइए मुझे। वेरी गुड, अब कैमरा ऑफ करके बताइए, ऑन करके बताइए। वेरी गुड, अब आते हैं सिद्धार्थ अनिल पे। सिद्धार्थ? यस मैम। साई राम? सिद्धार्थ कैमरा दिखाओ। वेरी गुड। साई राम बेटा आपका माइक ऑन है, अब ऑफ करके बताओ, आप खुद कीजिए। वेरी गुड, देखो आप जल्दी हो जाएगा आपसे। बेटा कैमरा नहीं, माइक, माइक। मैंने आपको बताया था ना नीचे माइक है। हाँ माइक ऑफ हो गया, अब माइक ऑन करके बताइए। अब कैमरा ऑफ करके बताइए। हाँ आप कैमरा ऑन करके बताइए। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, आपको अब समझ आ गया? यस और नो, जवाब तो दीजिए, हाँ या ना में। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्लास सारे बच्चों का हो गया। आप कोई ऐसा बच्चा है जिसका नहीं हुआ है तो वो अपने चैट बॉक्स में डाल सकता है। कौन है ऐसा? सबका हो गया है? वेरी गुड, अब एक काम, हमने दो काम सीखे, क्या क्या सीखा? माइक ऑन करना, ऑफ करना, कैमरा ऑन करना और ऑफ करना, इतना चीज सीखा। दिशा माइक ऑफ, माइक बंद कीजिए। हाँ ठीक है, इसके बाद बच्चों हम सीखेंगे, आज मैं आपको एक चीज बता रही हूँ जिसको आपको टच नहीं करना है। और एक बच्चा मुझे, माधव आप माइक ऑन करो। यस मैम। बच्चों जब मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी ना तो फिर मैं आपको नहीं देख सकती हूँ, तो उस कंडीशन में जो भी चीज आपके सामने आएगा वो आपको, मुझे कोई एक बच्चा बताएगा, जैसे माधव मुझे बताएंगे कि हाँ मैम ये दिख रहा है ये, लेकिन बाकी बच्चे ना चैट बॉक्स में कुछ करेंगे ना किसी में कुछ लिखेंगे, ठीक है। हर बार एक एक, हर रोज एक एक नया नया बच्चे को मैं लूंगी, और हर बार वो हर रोज एक एक बच्चे बताएंगे मुझे, ठीक है। जैसे अभी मैं देखिए आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ अपना, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं क्या? पहले बताइए, चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। जो मैं वीडियोस भेज रही थी कितने बच्चों ने देखे हैं? यस और नो लिखो, सब लोग लिखो जल्दी चैट बॉक्स में। वेरी गुड, माधव ने लिखा यस, वेरी गुड, लिखो सारे बच्चे चैट बॉक्स में। अर्पित शिवरेज ने भी लिखा यस, वेरी गुड अर्पित। आयुषी ने भी लिखा वेरी गुड। अनंत वर्मा ने लिखा वेरी गुड। अर्जुन ने लिखा यस। सिद्धार्थ ने लिखा यस। आयुषी ने लिखा यस। कुशाग्र ने लिखा यस।
वेरी गुड, देवादित्य ने लिखा, देवांशी ने लिखा, यस वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब सब अपने लिए एक एक क्लैप करो, अपने लिए क्लैपिंग कर लो, मुझे सब दिख रहे हैं, जोर से क्लैपिंग करो, वेरी गुड। समझ आ गया आपको कि आपको किसमें लिखना है बच्चों, किसमें लिखना है? चैट बॉक्स में लिखना है, माइक ऑन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब एक और काम, एक काम ये है बच्चों कि मैं ना ये स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। देखिए, अब माधव आप है ना, अपना माइक ऑन करके रखिए, सायराम बोलिए, माधव मुझे सायराम मैम, ठीक है। आप देखिए, देखिए आप लोग के सामने यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन आ गया, यस मैम आ गया, यस मैम, वेरी गुड। अब मैं एक काम करती हूँ, अपने आप को यस मैम पिन कर लेती हूँ, एक मिनट बच्चों। मैं दिख रही हूँ, यस मैम, हाँ बच्चों ये ध्यान रखिए, जब मैं ये वाला चीज शुरू करूंगी, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन, उस टाइम पर कोई भी बच्चा चीज यहाँ के किसी भी कर्सर को टच नहीं करेगा, ठीक है। उसको अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रहा हो तो वो किस में जाएगा, देखिए यहाँ पर चैट पे लिखा है 29 चैट्स लिखे हैं, ठीक है। जिसको भी लिखना होगा वो क्या करेगा, ये चैट बॉक्स में लिखेगा, जैसे किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो क्या करेगा, क्यू टाइप करेगा, ठीक है। और अगर जैसे मैंने पूछा क्या आप लोग को समझ आ रहा है, तो आप लोग क्या लिखोगे, वाई। दिख रहा है माधव? यस मैम। आपको मेरा चैट बॉक्स भी दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है ना? हाँ, चैट बॉक्स में मैंने देखो पहले क्या लिखा है, क्यू, क्यों, उसके बाद क्या लिखा है, वाई, वाई, वेरी गुड, ठीक है। इस तरह से मैं आपको लिख करके बताऊंगी बेटा। आप एक मिनट रुके, हाँ अब ये बताइए, मैं एक एक बच्चे को पूछूंगी कि उसको, उसने अगर वीडियोस देखे हैं तो उसको कैसे लगे, क्या चीज अच्छा लगा, उसको कोई डाउट है क्या किसी भी चीज में, ठीक है। तो पहले माधव से, माधव आपने वीडियोस देखे हैं? यस मैम। तो कैसे लगे बच्चे आपको वीडियोस? अच्छे लगे मैम। अच्छे लगे, आपने कुछ सीखा उन वीडियोस से? यस मैम। बेटा जो भी होगा ना, इस पूरी क्लास में आपको फुल टाइम ज्वाइन रहना है, अगर आप लेफ्ट कर जाते हो तो अटेंडेंस में काउंट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, आपको अटेंडेंस में ऐसे नहीं बोलूंगी नेम से कि अनंत प्रेजेंट, अनमोल प्रेजेंट, ऐसे नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली मैं आपका अटेंडेंस ले लूंगी, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अटेंडेंस आपका ऑटोमेटिकली, जैसे 131 हो रहा है तो 135 पे मैं अटेंडेंस ले लूंगी, ठीक है। मैं अपने आप ही लूंगी, आप लोग को लेने की जरूरत नहीं, आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? यस मैम। यस, सर तो हिला सकते हो, सारे बच्चों का सर तो दिख रहा है मुझे, समझ आ गया? वेरी गुड, स्माइल करते हुए सर हिला सकते हो, क्योंकि सब बोलोगे तो क्या होगा, आवाज इको करेगा। दिशा, माइक बंद, कैमरा बंद कर दिया आपने, कैमरा नहीं बंद करना, ठीक है, तो मैं पहचानूंगी कैसे फिर, ठीक। अच्छा चलिए, आपको अच्छा लगा। अब दूसरा कौन सा ऐसा बच्चा जो कुछ बोलना चाहता है, डालो चैट बॉक्स में,
माधव ने बंद कर लिया। अब कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है? किसी को कुछ बोलना है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? देवांशी, यस, पूछो देवांशी, माइक ऑन करो देवांशी। चलिए बोलिए। हाँ बोलो। वीडियोस बहुत अच्छी हैं। अच्छा थैंक यू। और किसने किसने देखा? सिद्धार्थ अनिल, नो मैम। ठीक है सिद्धार्थ, आपने नहीं देखा क्या? सिद्धार्थ माइक ऑन करो। मैम मैं पूरा नहीं देख पाया। पूरे नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, वीडियो उस पे यूट्यूब पे है, आपको जब जब टाइम मिले तब तब देख लेना। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में देखो या रोज रोज देखो, जैसे जैसे आपको टाइम मिल रहा है वैसे वैसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, सभी तक हुई है, वीडियोस की भी हुई है, इसको भी मैं एक बार रिवीजन में ले लूंगी, उसकी पुनरावृत्ति कर पाती हूँ। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कोई बच्चा, किसी को और पूछना है? देवादित्य कुछ पूछना है? नो मैम। पक्का वीडियोस देखा था क्या? यस मैम। क्या देखा था, क्या क्या, किसका किस कौन से चैप्टर पर है हम हिंदी में? हिंदी में सिक्स्थ चैप्टर पे। सिक्स्थ चैप्टर पे है। मैम कौन से चैप्टर को पढ़ा रही थी, कौन सी मैम पढ़ा रही थी? मैम आप। मैं नहीं पढ़ा रही थी बेटा, प्रवीणा मैम पढ़ा रही थी ना, वीडियोस तो प्रवीणा मैम भेज रहे थे ना। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, जब जब टाइम मिल जाए तब तब देख लीजिएगा। ठीक है, ओके वेरी गुड। और कुछ पूछना है? तो अगली क्लास हम जब शुरू करेंगे ना बच्चों, तब हम पाठ से संबंधित बात करेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी चीज पढ़ना होगा वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है देवादित्य, दिशा। यस मैम। दिशा यस माइक ऑन। हाँ वेरी गुड, दिशा को भी देखो माइक ऑन करना आ गया, वेरी गुड। चलिए दिशा, दिशा बताइए कैसे लगे वीडियोस? नहीं देखे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे देख लीजिएगा, कोई जरूर जल्दी जल्दी नहीं है, आराम आराम से देख लीजिएगा, धीरे धीरे देखते रहिएगा। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग इसी ऑनलाइन के उसमें पढ़ेंगे, तो आपको सबको पूरा जितना भी मैम ने पढ़ाया वो सब भी रिवीजन करा दूंगी, आगे का भी इसका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बच्चों जरा सा। और सुनाइए क्या क्या किया छुट्टियों में? मैम मैंने नाइन्थ चैप्टर तक कर लिया था। वेरी गुड, नाइन्थ चैप्टर तक कर लिया था आपने? मैम मैंने मैंने टेंथ चैप्टर तक कर लिया था। आपने टेंथ चैप्टर तक कर लिया था? यस मैम। ओके वेरी गुड। और मैम मैंने सेवेंथ चैप्टर तक कर लिया था। अच्छा, और किसने क्या कर लिया था? मैम वीडियोस बहुत अच्छी थी। अच्छी थी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और किसको कुछ कहना है, माइक ऑन करके बोलते जाओ। हाँ आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने फाइव तक कर लिया रिवीजन। फाइव तक कर लिया,
कल कौन सा चैप्टर? मैम कल कौन सा चैप्टर करना है? अब बेटा हम जब नई क्लास जब हम दूसरी बार आएंगे ना, अभी तो दो तो तीन दिन की छुट्टी है। यस मैम। है कि नहीं तीन दिन की छुट्टी? तो तीन दिन की छुट्टी के बाद हम जब मिलेंगे तब फिर हम बात करेंगे, ठीक है? हैप्पी रक्षाबंधन मैम। सेम टू यू बच्चों। हैप्पी रक्षाबंधन मैम आपको भी, ठीक है? हैप्पी रक्षाबंधन मैम। हैप्पी रक्षाबंधन मैम सबको, सबको भी। हैप्पी रक्षाबंधन मैम। ट्राई करना लेकिन घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, ठीक है ना? एंजॉय बहुत करना, रक्षाबंधन सब सब फेस्टिवल्स एंजॉय करना, लेकिन घर में रह करके और घर से बाहर। हैप्पी रक्षाबंधन मैम। सेम टू यू बेटा, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, ठीक है? और बाहर की चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खाना, ठीक? क्या कहाँ से खाना? जो भी चीजें खाना घर की चीजें खाना, ओके मैम? ठीक है ना? तो हम अब कक्षा समाप्त करते हैं। अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों से मिल करके, बड़ा बहुत दिनों बाद मैंने आप लोगों को भी देखा। साईराम, चलो हाथ जोड़ लें, शांति पाठ कर लें। चलिए सारे बच्चे माइक ऑन नहीं कीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। सारे बच्चे माइक ऑफ करो। वेरी गुड, सबने माइक ऑफ कर लिया। चैट बॉक्स में डालो यस करके, फटाफट चैट बॉक्स में डालो यस। देखूं मैं, यस वेरी गुड। माधव का आ गया, आयुषी का आ गया, वेरी गुड। अर्जुन वेरी गुड, कुशाग्र, सिद्धार्थ, अर्पे, देवांशी, देवादित्य, वेरी गुड, एक्सलेंट। चलो आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी, सीखी कि नहीं? तो अपने लिए सब बच्चे कर लीजिए। नहीं, किससे बोलना है? बोलना नहीं है, क्या बताया था? किसमें करना है? चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? तो सब लोग अपने लिए जोर से जोरदार क्लैपिंग कीजिए कि आपने आज बहुत अच्छी चीज सीखी गूगल मीट पे। चलिए आप सारे बच्चे जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज फॉर द शांति पाठ, ठीक है? शांति पाठ करेंगे हम। एक मिनट बच्चों, चलिए शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। अब एक काम करेंगे, सारे बच्चे एक एक करके लीव करेंगे मीटिंग। मीटिंग कैसे लीव करना, मैंने आपको बताया था ना, बीच में वो है ना फोन जैसा बना, उसमें बाय बाय बेटा। देखो किसने लिखा बाय, साईराम बाय बेटा, आयुषी ने लिखा बाय मैम, वेरी गुड। अब सब लोग अपनी मीटिंग छोड़ के चले जाइए। वेरी गुड वेरी गुड देवांशी, बाय बेटा, बाय देवांशी, बाय आनंद, बाय सिद्धार्थ, बाय बेटा। सिद्धार्थ मीटिंग लेफ्ट करो, बीच में दबाओ। बेटा आपने कैमरा बंद कर दिया सिद्धार्थ? हाँ वेरी गुड,